गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। अब आज के वीडियो के लिए मैं काफ़ी दिनों से रुका था। मैं सोचा जब कोई कमेंट करेगा तभी ही मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, और फाइनली जो हमारे साथ वर्कआउट करते थे श्रेय, उनका कमेंट आया और इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाता हूँ। सो आज मैं बताने वाला हूँ आपको मेरे सोया सैंडविच का रेसिपी। सो देखो, सोया सैंडविच बनाने के लिए पहले तो चलते हैं किचन में। हाँ, सो अभी आ गए किचन में और अभी शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो गाइस, अभी हम सोया चंक्स बॉईल करने रखेंगे। अभी मैं करने वाला हूँ 60 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स बॉईल, और मैं इसे मेजर करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस किचन वेइंग स्केल। अब आई हाईली रिकमेंड कि ये हर किसी के पास हो, क्योंकि आपको अपना फूड ट्रैक करके खाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या जा रहा है। मेनली तो अगर आप कटिंग या फैट लॉस डाइट पे हो तो दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट। सो मेक श्योर कि ये आप सबके पास है, और इसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके भी ऑर्डर कर सकते हो। सो अभी शुरू करते हैं, पहले अभी अपना सोया चंक्स बॉईल करने रखते हैं। ओके, सो इस वेसल को रखते हैं इस पे, इसे ऑन करते हैं और इसमें डालते हैं सोया चंक्स। ये हो गया 60 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स। अब मैं इनको एक बार टैप वाटर से धो लेता हूँ। फिर वो टैप वाटर वाला पानी निकाल के मैं इसमें फ़िल्टर वाटर डालूंगा और फिर इसे बॉईल करने रखते हैं। अब मैंने फ़िल्टर वाटर डाल दिया, और अभी इसमें बॉईल करते टाइम ही मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगा ताकि उसके अंदर अच्छे से फ्लेवर आ जाए। फिर इसे बॉईल करने रखता हूँ और 5 मिनट में ये बॉईल हो जाएगा। अब ये बॉईल होने के बाद इसके वो 10-15 मिनट ढक्कन लगा के रखना ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर ठंडा होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना, वरना ये पानी जब आपके मुंह में आप जब बाइट करोगे तब ऐसे सारा स्प्रेड होता है, बहुत गंदा लगेगा। अब मैं इसके हेल्प से सारा वो एक्स्ट्रा पानी निकालूंगा, एक्सेस वाटर। सो बस ये एक बहुत गंदा काम है, मतलब सोया चंक्स बॉईल होने के बाद इसका जो पानी निकालने का बारी आता है। ठीक है, बंद करो। अब एक बार जब आपका सारा सोया चंक्स का पानी निकाल के हो जाए तब हम सोया को श्रेड करेंगे। अब मैं इसे श्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी फिलिंग बना रहा हूँ सैंडविच ब्रेड के अंदर डालने के लिए। बट अगर आपको डायरेक्टली भी इसे कंज्यूम करना है तो आप डायरेक्टली भी सेम रेसिपी फॉलो करके बना सकते हो और डायरेक्टली भी खा सकते हो, सैंडविच बनाने की भी ज़रूरत नहीं। सो अभी हम सारा सोया श्रेड करेंगे। अभी सारा सोया श्रेड हो चुका है गाइस, और अभी हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले गाइस मैं अकेले ही शूट कर रहा था, फिर मेरे कज़िन आर्यन जी, मैंने उनको बुला दिया क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं है फिलहाल, तो वैसे भी बैठे बैठे बोर हो रहे थे आर्यन तो ये मुझे हेल्प कर रहे शूट करने में। कैसा लग रहा है? कैरो ला के रही हो? मस्त शूट कर रहा, मजा आवे। तो अभी हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो गाइस कढ़ाई को गर्म करने रख दो। अब मैं इसके अंदर घी डालूंगा गाइस। अभी आप लोग ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो, बट मुझे ऑलिव ऑयल का इतना टेस्ट नहीं पसंद इसलिए मैं घी डालूंगा, और घी में बहुत सारे हेल्दी फैट्स भी होते हैं जो आपके बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। सो या मैं इसमें 1 या 2 टेबलस्पून घी डालूंगा, 1 टेबलस्पून। अब जब कढ़ाई गर्म हो जाए उसके बाद ये सारा जो सोया श्रेड किया था वो डाल दो, उसको अच्छे से मिक्स करो। अब इसके अंदर थोड़े बहुत मसाले डालूंगा मैं। पहला ये चिंग्स का सेजवान फ्राइड राइस मसाला, ये 1 टेबलस्पून कुछ डालना है अंदर। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम ये पीरी पीरी मसाला, थोड़ा सा ही डालना है। और फिर इसके अंदर ऐड करूँगा ये बीबा का चिली ऑरिगेनो सॉस जो कि 0 फैट है, और इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया है। सो ये ऐड करेंगे थोड़ा सा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दो। थोड़ा सा शेफ बनो।
अब इसके अंदर डालते हैं सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो कि मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, वो है धनिया, कोरिएंडर। धनिया डाल दो, बस हो गया रेडी। अब अगर आप बिना सैंडविच बनाए खा रहे हो तो सोया को श्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं बता रहा था, आप डायरेक्टली भी ये बना के कंज्यूम कर सकते हो। अब बट अभी हम बनाने वाले सोया सैंडविच, सो श्रेड किया हमने और अभी खाते हैं सोया सैंडविच। अब आपके घर पे भी आप जहाँ टोस्टर या फिर ग्रिलर लगाते हो वहाँ पे ऐसे बर्तन रखे हुए, तो सबसे पहले तो उनको हटाओ फिर लगाओ ग्रिलर। अब जब तक ग्रिलर गर्म हो रहा है, टोस्टर गर्म हो रहा है, तब तक हम सारे ब्रेड के अंदर फिलिंग डाल देते हैं। तो अभी मैंने सारा सोया फिलिंग डाल दिया अपने ब्रेड के अंदर और अभी मैं इसके अंदर ये चीज़ स्लाइस डालूंगा, मतलब दो सैंडविच के अंदर एक चीज़ स्लाइस ऐसे बांटूंगा। और मैंने बहुत टाइम से ऐसे चीज़ स्लाइस वाला नहीं खाया, बट ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो। तो अभी ये सैंडविचेस हो गए रेडी और अभी ये जाएंगे सीधा टोस्टर। बस सब कुछ पलों का इंतज़ार और आपको मिलेगा एक सोया सैंडविच बढ़िया सा। तो अभी हो गया हमारा पहला बैच रेडी और मैं इसके ऊपर कोई ऐसे बटर वगैरह नहीं लगाता, बट अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो। मुझे डायरेक्टली टोस्टर से निकला हुआ ही पसंद है क्योंकि इसमें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगता है इसे। तो हो गया है हमारा सैंडविच रेडी और अब इस मील के जो भी मैक्रोज है गाइस वो मैं स्क्रीन पर छोड़ दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। मैं यूजुअली ये सैंडविच प्रेफर नहीं करता, मैं डायरेक्ट सोया चंक्स बॉईल करके खाना प्रेफर करता हूँ, बट आप लोग गाइस ये रेसिपी ट्राई करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि आपको ये कैसा लगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जाके लाइक करना, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो ताकि आप कोई भी फ्यूचर कॉन्टेंट मिस ना करो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।